पुणि थरे रश्मिज क्रिएशन चैनल को तुम समस्त स्वागतम। गला क्लास रे आमे पढ़ी अधिकार कौन एवं अधिकार रो प्रकार भेद। आज जानिबा आईनगत अधिकार को तीन भाग में विभक्त करा जाए, जता सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अर्थनैतिक अधिकार। यह छड़ा मानवाधिकार बा मानविक अधिकार विषय जानिबो। ताले आसो एबे जानिबा आईनगत अधिकार को जो तीन भाग में विभक्त करा जाएची, सेतिमध्यरु सामाजिक बा व्यक्तिगत अधिकार कौन। पिला माने सभ्य उ उन्नत सामाजिक जीवन जापन निमन्ते आवश्यक होतबा जरूरी शर्त गुड़िक सामाजिक बा व्यक्तिगत अधिकार बोली कहा जाए। ये गुड़िक मध्य नागरिक अधिकार बोली कहा जाए। केतेक सामाजिक अधिकार मौलिक अधिकार रो पर्यायभुक्त होता है, जमीती जीवन धारण अधिकार, समानता अधिकार, धर्मगत शिक्षागत अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार इत्यादि। ताले यहाँ पर जीवा राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार होची पिलाने प्रत्येक नागरिक विभिन्न उपाय रे राष्ट्र शासन रे अंश ग्रहण करिया पाई जेउ सबु अधिकार गुड़ी को उपभोग करंती ताहाकु राजनीतिक अधिकार कहा जाए। जेमिति आमे मतदान दबा अधिकार, निर्वाचन हेबा, सरकारी पदवी धारण, बासस्थान अधिकार ओ विदेश रे सुरक्षा अधिकार आदि एही प्रजाय व्यक्त बा राजनीतिक अधिकार श्रेणीभुक्त। यहाँ पर जानिबा अर्थनैतिक अधिकार। माने अर्थनैतिक अधिकार हेउची व्यक्तिर सुरक्षा ओ सुस्थ जीवन जापन पाई अर्थनैतिक निरापत्ता। जेमिति सर्वनिम्न अर्थनैतिक प्रयोजन अधिकार, अर्थात बंची रहिबा पाई खाद्य, वस्त्र ओ बासगृह आदि लाभ करिवार अधिकार। या छोड़ा कर्म निजुक्ति, उपयुक्त पारिश्रमिक अधिकार ओ अवसर अधिकार आदि अर्थनैतिक अधिकार रो श्रेणीभुक्त। ताले यहाँ पर जानिबा एते सबु जो अधिकार गुड़िक मानव पाई बा नागरिक पाई, अर्थात मानवाधिकार रो अर्थ एवं गुरुत्व। पिला माने मानवाधिकार जहाँ को इंग्रजी कहा जाए ह्यूमन राइट्स, एटा पुणी कौन। पिला माने मानवाधिकार हेउची सही अधिकार जहाँ मनुष्य को मनुष्य भली ओ मर्यादार सह बंचिबा को देई थाए, अर्थात अन्य भाषा कहिबाकु गले मनीषर सशक्तिकरण द्वारा तार जीवन ओ स्वाधीनता ओ मर्यादार सुरक्षा करिबाकु ही मानवाधिकार कहा जाए। यह जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, देश, अंचल ओ लिंग निर्विशेष रे समस्तंकु एही अधिकार मिली थाए। समाज रे एक सभ्य मर्यादापूर्ण ओ विकसित जीवन जापन निमन्ते मानवाधिकार बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। 1215 मसीहा जून 15 तारीख रे इंग्लैंड रो राजा द्वितीय जॉन को द्वारा स्वाक्षरित माग्ना कार्टा मानवाधिकार रो प्रथम लिखित ओ स्वीकृत सनंद रूपे विवेचित हुए। यहाँ परे 1776 मसीहा अमेरिका स्वाधीनता घोषणानामा ओ 1799 मसीहा फ्रांस रे
ମାନବାଧିକାର ଘୋଷଣା ନେବା, ମାନବାଧିକାରକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବା ପରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 1948 ଡିସେମ୍ବର 10 ମାନବାଧିକାରର ସାଧାରଣ ଘୋଷଣାନାମା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 10 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବାଧିକାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମାନବାଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଓ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ତ ଠିକ୍ ଏହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ରଶ୍ମିଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।